पहाटे 3 वाजता ऑटोमोटिव्ह चौक परिसरातील संदिग्ध ट्रकवर कारवाई करत यशोदरा पोलिसांनी 8 टन गोमासाने भरलेल्या ट्रकवर कारवाई केली. या कारवाईत दोघांना अटक केली असून एकूण 28 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यशोदरा थाना हमेशा ही एक कारवाई में आगे रहा है. कल रात को भी उनकी पुलिस स्टेशन की टीम पेट्रोलिंग करते समय सवेरे 3 बजे के दरमियान ऑटोमेटिक चौक के पास एक उनको आइशर सस्पेक्ट लगा, उसका पीछा करके उन्होंने उसको चेक किए तो आइशर में एक मास से भरा हुआ आइशर था. वो ड्राइवर और कंडक्टर पूछताछ करने के बाद पता चला है कि वो कोमा से ऐसा उन्होंने बताया है. वो तो उन्होंने थाने में ला के उनके ऊपर गुना दाखिल करके कार्रवाई दोनों को अरेस्ट किया है. आइशर मालक यानी जो गोमास है या नहीं है वो अभी चेक करने के लिए भेज रहे हैं. ड्राइवर और कंडक्टर ने तो बताया है कि वो गोमास है. उसके बाद कहाँ से लाए हैं, कहाँ पे ये वो आए, उसके आगे की जांच जा रही है. इसमें मांस करीब 8 टन के आसपास है. 8 टन का मांस 8 लाख रुपये और गाड़ी आइशर गाड़ी बीच लगा ऐसा 28 लाख का माल मुद्देमाल जब्त हुआ है. ये कार्रवाई बेदुलकर जो यहाँ के इंचार्ज है बेदुलकर साहब उनके मार्गदर्शन में उनका डीबी पथक और इन्होंने कार्रवाई की है.